पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत की सचिन मीणा की लव स्टोरी में जब से जासूसी का एंगल सामने आया है, तब से वो खुफिया एजेंसियों की रडार पर हैं। जासूसी के जाल में फंसी सीमा हैदर को पूछताछ के बीच अब पाकिस्तान जाने का डर सता रहा है और इसी डर की वजह से सीमा हैदर के पाकिस्तान को लेकर सुर बदलने लगे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान जाने के खौफ से सीमा का अपने देश के प्रति प्रेम अचानक जाग गया है। कल तक जो भारत आकर पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की गाथा गा रही थी, आधी आबादी के लिए पाकिस्तान को दलदल बता रही थी, आज वही सीमा अपनी ही बातों से पलट गई है। पाकिस्तान की तारीफों के कसीदे पड़ रही है। सीमा बोल रही है कि उसने पाकिस्तान को गंदा नहीं कहा, पाकिस्तान के शहरों में भी लड़कियों को आजादी है, वो घूम सकती हैं, फैशन कर सकती हैं। पाकिस्तान को मैं गलत नहीं कहती, लेकिन जहां से मैं आई हूं, वहां महिलाओं के साथ आज भी बुरा बर्ताव किया जाता है। मैं वहां खुश नहीं थी, इसलिए यहां पर आ गई। सीमा बोली, रोज रोज के सवालों से अब थक गई हूं। अचानक सीमा हैदर का पाकिस्तान के प्रति प्रेम जागने के पीछे यही वजह है कि सीमा को भी लगने लगा है कि अब उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि बार बार वो सचिन के प्यार का हवाला देकर भारत में रुकने की बात कह रही है। मीडिया के सवाल पूछने पर सीमा वकील से बात करने के लिए कहती है। उधर मंगलवार को एटीएस ने सचिन और बुलंदशहर से हिरासत में लिए गए उसके दोनों भाइयों को एक साथ बैठाकर फिर पूछताछ की। इसमें आधार कार्ड के बारे में जानकारी ली गई। सचिन और सीमा के केस में ये बात भी सामने आई है कि आधार कार्ड और शादी सहित सभी जानकारी सचिन की बुलंदशहर में रहने वाली बुआ और उनके बेटों समेत कई रिश्तेदारों को थी। सभी की सीमा से बातचीत होती थी। खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में सचिन के और भी कई रिश्तेदारों से एटीएस पूछताछ कर सकती है। सचिन की मदद करने वालों से भी पूछताछ कर मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एक बार फिर से जांच एजेंसियां सीमा और सचिन से पूछताछ कर सकती हैं, क्योंकि अब तक उनको कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। साथ ही सीमा का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जा सकता है। एटीएस को अब भी जिन सवालों के सटीक जवाब नहीं मिले वो ये हैं। परिवार की स्थिति खराब तो बच्चों को महंगे मोबाइल कैसे, 12 लाख में मकान खरीदा, 3 महीने बाद 12 लाख में ही क्यों बेच दिया। सीमा बोली, मोबाइल बच्चे के हाथ से गिरकर टूटा, लेकिन डेटा किसने डिलीट किया। सीमा ने पाकिस्तान का सिम कार्ड क्यों तोड़ा। सीमा के साथ साथ सचिन का भी मोबाइल टूटना कैसे संभव। इसके अलावा पुलिस ने सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों के कागजात और पासपोर्ट की जाँच करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी भेजे हैं, लेकिन वहां से भी अभी कोई जवाब नहीं मिला है। साथ ही सीमा के फोन की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है। खैर, इन सब जांच और जांच के दौरान अपनी ही बातों में सीमा और सचिन का घिरना कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। सीमा को पता है कि भारत की जांच एजेंसियों के आगे उसके नापाक मंसूबे काम नहीं करेंगे। जांच पूरी होते ही एक ना एक दिन उसे पाकिस्तान जाना ही होगा। शायद यही वजह है उसके पाकिस्तान का राग अलापने की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।